दोस्तों, ठंड में अगर आपने साग मीट नहीं खाया तो सच में आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। मतलब साग मीट बनाने के लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन जो रिजल्ट आता है ना वो सच में एक्सीलेंट आता है। आप चाहो तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने भगवान में बनाया है और सच में आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर पालक वाला मीट बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं। भगोने में मैंने पानी डालकर रखा है लगभग 1-1.5 लीटर तक, और उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। उसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पर एक बोल में पानी डालकर बर्फ डाल के रखी है। बेसिकली यहाँ पर हमें पालक को ब्लांच करना है। जो पानी गर्म हो रहा है, जैसे ही वो गर्म होने लग जाए आप उसमें 1 चम्मच तक चीनी डाल देना। चीनी से बेसिकली पालक जो है वो डी कलर होने से बचेगी, काली नहीं होगी जल्दी से, हरी हरी रहेगी। मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए 1/2 किलो पालक का इस्तेमाल किया है, और जब पालक आएगी तो आप यहाँ पर धनिया ज़रूर डालना और साथ साथ मिर्चें ज़रूर डाल देना इसी में। मैंने लगभग 3 मिर्चों का इस्तेमाल किया है। थोड़ा स्पाइसी ही रखना साग मीट को, वो ही अच्छा लगता है दोस्तों। आपने यहाँ पर लगभग 3 से 5 मिनट तक, 5 मिनट तक खोलते हुए पानी में पालक को डाल के उबालना है, अच्छे से उबालना है और पत्तों को गलाना है यहाँ पर दोस्तों। ये देखो, लगभग 5 मिनट आपको लग जाएंगे, और फिर 5 मिनट के बाद फटाफट से आप इसको निकाल कर एकदम ठंडे ठंडे पानी में डाल देना, ताकि सारी कुकिंग स्टॉप हो जाए और पालक का जो कलर है वो एकदम प्रिजर्व रहे। और आप देखना, आप आराम से ही इसको पकड़ पाओगे। तो फिर देर क्या करनी, फटाफट से इसको पीस भी लेते हैं। हाँ, लेकिन पीसने के लिए मैंने क्या किया है कि इससे जितना एक्सेस पानी जो होता है ना वो निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी आप निकाल कर निचोड़ कर ही पीसना, ताकि पालक का जो फ्लेवर है वो डाइल्यूटेड बिल्कुल भी ना रहे, जो फ्लेवर है वो ही रहे। अगर आप इसको पीसना चाहते हो और जैसे पिस नहीं रहा, तो आप इसमें तेल डाल सकते हो पीसने के लिए। पानी थोड़ा कम ही डालना तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा पानी में इस पालक को मत पीसना, एकदम फाइन पेस्ट चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। तो पालक का पेस्ट तो बिल्कुल तैयार है, फटाफट से अब यहाँ पर अब बाकी प्रिपरेशन करते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए, मसाला बनाने के लिए 3 प्याज का इस्तेमाल किया है, और जैसे कि मैंने आपको बोला आपकी मेहनत बिल्कुल नहीं कराऊंगा, शॉर्टकट होंगे, तो प्याज को आप यहाँ पर स्लाइसेस में कर देंगे, पूरे गल जाएंगे, बाद में आपको प्याज का एक टुकड़ा भी नहीं दिखने वाला ग्रेवी में। फटाफट से स्लाइसेस कर देना। और टमाटर का क्या है, 1/2 काट देना, बात खत्म है, 2 टमाटर बहुत है। हाँ, लेकिन टमाटर की रूट ज़रूर निकाल देना, क्योंकि वो गलने नहीं वाली। अच्छा, एक बढ़िया फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर दही ज़रूर डाली है, 1/2 कप दही है ये, और इसका सपोर्टर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दही के फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तक धनिया पाउडर भी डाल दिया है, दही के साथ अच्छे से मिला लिया है, और दही भी सेट है हमारी। तो बस अब यही है बेसिक प्रिपरेशन, देखा काफ़ी आसान हो गई ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने भगोना लेना है। भगोने में सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है मैंने, आप चाहो तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सरसों के तेल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ज़्यादा किया है, लगभग 1/2 कप, 1/2 कप थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहा हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर कोशिश करना कि आप जो तेल की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा ही लेना। वैसे कौन सा आप रोज़ साग मीट बना रहे हो, मिनिमम आप 1/4 कप लेना, लेकिन मैंने 1/2 कप लिया है, जानबूझ के लिया है, ताकि भुनाई बहुत अच्छे से हो, रिजल्ट बहुत अच्छा है। तेल अच्छे से आपने गर्म करना है जब तक कि धुआं नहीं निकलने लग जाता। और फिर मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, काली मिर्च डाली है, लौंग है, दालचीनी है, 2 हरी इलायची है, और 2 बड़ी वाली काली वाली इलायची है, ध्यान रहे ये ज़्यादा क्वांटिटी में है इस रेसिपी में। और उसके साथ साथ 2 सूखी मिर्चों को मैंने ऐसे तोड़कर डाल दिया है। इतना गर्म तेल है कि इस मसाले अच्छे से भुनेंगे, अपना फ्लेवर छोड़ेंगे इस तेल में, और इसी तेल में आपने यहाँ पर अब प्याज को डालना है जब मैं स्लाइस करके रखे थे। आप गैस को मीडियम पर ही रखना, और प्याज को अब आपने यहाँ पर अच्छे से भुनना है। अच्छे से मेरा मतलब है कि अच्छे से ब्राउन करना है, तभी मटन का जो मीटी फ्लेवर है ना वो निकल कर आएगा दोस्तों। अगर ब्राउन नहीं करोगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, पालक के साथ बैलेंस नहीं बन पाएगा बिल्कुल भी, ध्यान रहे इस बात का। ब्राउन कलर अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना आप। ये देखो, आप इस स्टेज तक आपने भुनना है मीडियम फ्लेम पर आराम से। ये देखो ब्राउन कलर आने लग गया है ना, बस इस स्टेज पर जैसे ही आप आ जाओ कि हल्का सा साइडों में ब्राउन कलर आने लग गया है प्याज में, बीच में हल्का पिंकिश है, तो इस स्टेज पर आने के बाद आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना। उसके साथ साथ आप यहाँ पर हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये यहाँ पर डाल देना,
तो कलर भी एकदम सेट हो गया, अदरक लहसुन राइट टाइम पर डल गया कि अभी प्याज थोड़ा सा और भुन जाएगा तो उसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन जाएगा। बस जैसे ही 2 से 3 मिनट आपने और भुनना है और 2 से 3 मिनट के बाद अब आप यहाँ पर मटन डाल देना। मटन को दोस्तों मैंने ज़्यादा नहीं धोया है, एक बार धोया है बस। ज़्यादा मटन को धोने से उसका फ्लेवर निकल जाता है। एक बार धोया है बस, आधा किलो मटन है दोस्तों। और आप कोई भी अपनी पसंद के पीसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। अब आपने कुकिंग करनी है मटन की और इसको भुनने में लगने वाला है टाइम। साग मीट की खास बात ही ये है कि इसमें पहले भुनाई इतनी होती है कि उसमें टाइम बहुत लग जाता है। खैर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पकाया है, लगभग 5 मिनट पकाया है मटन को, और फिर मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही डाल दिए हैं। घबराना मत, बस आप टमाटरों के साथ साथ नमक भी डाल देना ताकि वो गल ज़रूर जाए, नहीं तो पता चला बड़े बड़े टमाटर रह गए गले नहीं तो आप मेरे को ही बोलने वाले हो। अच्छा, और हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दी। दोस्तों मैं यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मतलब 5 मिनट 4 मिनट, और अब उसी हिसाब से रखना, गैस को लो पर ही रखना और आराम से इसको भुनने देना, पकने देना आराम से। आप देखना जब आप 5 मिनट बाद खोलोगे ना तो टमाटर की जो स्किन होगी वो ऐसे ही चिमटे से पकड़ कर निकल जाएगी, बहुत आराम से निकल जाएगी, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपने बस ये करना है कि जैसे ही सारे टमाटरों की स्किन निकल जाए आप यहाँ पर इनको ऐसे क्रश कर देना अपनी लेजर से। ये देखो ऐसे ही निकल गई ना स्किन, और बस इसको मैंने क्रश कर दिया। हल्का सा क्रश करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, और बिल्कुल सारी जो ये टमाटर है, प्याज है, सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी कि आपको दिखने भी नहीं वाली। देखा, मैंने बोला था ना कि अब काम आसान कर दूंगा, कर दिया ना। आप बस मीडियम लो फ्लेम पर चलते जाओ, पकाते जाओ, जब तक ये टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन लगाया है, इसको 5 मिनट तक और पकने दिया है बिल्कुल घड़ी देखकर, और अब आप देखो टमाटर अच्छे से गल गए हैं, प्याज भी गल गए हैं, और आपको दिख भी नहीं रहे होंगे प्याज टमाटर, है ना। तो अब नेक्स्ट वाली चीज़ डालते हैं जो कि भुननी है, वो है दही। अब आप यहाँ पर दही डाल देना। दही डालने से पहले गैस को या तो एकदम लो कर देना या तो बंद ही कर देना, सिर्फ सेफ्टी के लिए। और फटाफट दही डालने के बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है मीट मसाला। कोई भी आप अपनी पसंद का मीट मसाला यूज़ कर सकते हो, जो ब्रांड आपको पसंद हो, जिस पर आपको ट्रस्ट हो। फ्लेवर इन्हांस करने के लिए है मीट मसाला, आप चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दही डालने के बाद अब अच्छे से मिला ज़रूर देना, और फिर गैस ऑन कर इसको भी भुनने देना ढक कर लगभग 5 मिनट के लिए, बेसिकली जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि तेल जब तक ऊपर नहीं आता तब तक आपने पकाना है, हमेशा आपने यही सुना होगा ना। तो उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपली ये है कि जब पानी खत्म हो जाता है, पानी गायब हो जाएगा, तो फिर तेल ही तो ऊपर आएगा, और क्या आएगा, लॉजिक तो यही है। अब पानी से याद आया, अब एक बार मटन को देखो। मटन अभी बिल्कुल भी ऑफ द बोन नहीं हुआ है, मतलब उससे जो मीट है वो हड्डी से अलग नहीं हुआ है, उसको गलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस स्टेज पर पालक डाल दोगे ना तो आपको गलाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि पालक की भी हमें भुनाई करनी है। तो डिपेंड करता है कि आपकी मटन की क्वालिटी कैसी है। मेरा मटन अभी बिल्कुल नहीं गला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप तक पानी डाल दिया है और इसको लो फ्लेम तक गलने के लिए छोड़ दिया है। इस बार भुनने के लिए नहीं, गलने के लिए ढक कर आप छोड़ देना लगभग 10 मिनट के लिए। बीच में एक बार स्टर ज़रूर कर देना ताकि मटन थोड़ा सा गलना शुरू हो जाए। क्यों, क्या होगा कि पालक डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मटन को गलाने का। आप ये देखो इस स्टेज पर मटन अब गलना शुरू हो चुका है, ये देखो। तो जब गलना शुरू हो जाए, यानी कि हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए, फिर आप यहाँ पर पालक डाल देना। और हाँ, जो मिक्सी में थोड़ी सी पालक बची है तो उसमें गर्म पानी मिलाना, नॉर्मल पानी नहीं, गर्म पानी ही मिला के हल्का सा स्टर करके वो डाल देना। और अब जब तक इसमें पानी है तो मटन गलेगा, और जब पानी उड़ जाएगा तो यहाँ पर पालक अच्छे से भुन जाएगी। हमें दोस्तों अगेन तब तक पकाना है जब तक पालक अच्छे से नहीं पकती, जब तक कि उससे तेल अलग नहीं हो जाता, तब तक पकाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दोस्तों पालक मीट, ये साग मीट का टेस्ट तभी अच्छा आएगा जब पालक और मीट दोनों साथ में अच्छे से पकेंगे। दोनों को आपने आराम से पकाना है, मिनिमम 10 से 12 मिनट आप पकाना, और बीच में 5 मिनट में इसको स्टर जरूर कर देना ताकि नीचे तले से चिपके ना। टोटल 12 मिनट के बाद अब आप देखो मटन को, मटन अब काफी हद तक गल चुका है बिल्कुल पालक के साथ, यही मैं आपसे कह रहा। बस आप यहाँ पर एंड की चीज़ें डाल देना इस टाइम पर, और अब ये देखो तेल कैसे अलग हो चुका है, यही तो हमें चाहिए दोस्तों। तो अब यहाँ पर एंड की चीज़ें डाल देना, जो कि है गरम मसाला। ज़्यादा मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है, ज़्यादा डालने का लॉजिक ये है कि मेथी बहुत सपोर्ट करती है। और अब मैं यहाँ पर लास्ट चीज़ करने वाला हूँ,
तो लास्ट चीज करने से पहले आप इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक कर लेना। अगर आपको थोड़ी पतली चाहिए तो अभी आप यहाँ पर गर्म पानी डालना, अगर पतली नहीं चाहिए ऐसी ही रखनी है तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देना। लास्ट चीज़ मैंने करी कि एक छोटा सा तड़का मारा है, आप यही सरसों का तेल ले लेना, तड़के पैन में डालना इसको थोड़ा सा, और इसमें आपने डालने हैं मेथी दाने। मेथी दाने के साथ साथ मैंने कटी हुई लहसुन यहाँ पर डाली है और इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। क्या होगा दोस्तों कि एक लहसुन की खुशबू होती है और मेथी दाने की खुशबू होती है, वो साग मीट का फ्लेवर बहुत एनहांस करती है। आप यहाँ पर छान कर इसको डालना और जो खुशबू होगी वो बहुत अच्छी आएगी। और अब चाहो तो आप यहाँ पर लहसुन के जो पीसेस थे उनको निकाल कर इस ग्रेवी में डाल सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, लेकिन मेथी दाना मत डाल देना। बस दोस्तों, मैं आपको मटन दिखाऊं तो देखो आप कितना बढ़िया तरीके से गल चुका है और साग मीट बन के पूरा तैयार है। आप दोस्तों इसको बना कर देखना एक बार, सच में आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है। और विंटर्स में अगर नहीं खाया तो सच में आप मिस कर दोगे।